नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी महापौर पद के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन ग्वालियर, इंदौर और रतलाम के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। वहीं बीजेपी में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। इस बैठक में क्या हुआ है जो कि ग्वालियर में हुई है, वो हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले हर घर कुक्कू एफएम के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल कुक्कू एफएम एमपी तक के दर्शकों के लिए एक बहुत ही खास ऑफर लेकर आया है, जहां आपको आपके अपने परिवार के लिए ऑडियो बुक और किताबों, कहानियों, किस्सों का खजाना मिलेगा। पेरेंटिंग टिप्स से लेकर बच्चों के लिए किस्से कहानियां मिलेंगी, राजनीति से लेकर क्राइम के किस्से, स्पोर्ट्स के किस्से मिलेंगे। इसलिए कुक्कू एफएम एमपी तक के दर्शकों के लिए ये खास ऑफर लेकर आया है। आपको कुछ नहीं करना है, इस्तेमाल कीजिए GHAR50 कूपन कोड और पाइए कुक्कू एफएम के सब्सक्रिप्शन पर पूरे 50% का ऑफ। ये ऑफर सिर्फ 19 जून तक ही वैलिड है, तो जल्दी कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और 50% का डिस्काउंट पाइए कुक्कू एफएम को डाउनलोड करने पर। तो बात हो रही थी ग्वालियर में बीजेपी की बैठक की, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर शामिल थे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही संभागीय संयोजक विवेक शेजवलकर भी मौजूद थे। लेकिन बैठक में महापौर के नाम पर जो चर्चा हुई उसमें कोई सहमति नहीं बनती दिखाई दी। बता दें कि मात्र 20 से 25 मिनट में बैठक समाप्त हो गई। माना यह जा रहा है कि महापौर के नाम पर आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से ऐसा हुआ है। जो नेता आए थे तमाम जिलों से, वो चाय पकौड़ी खाकर चले गए। ये भी बता दें कि 18 जून तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख निर्वाचन आयोग की तरफ से तय की गई है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कब तक आम सहमति बना पाती है और ग्वालियर में कब तक महापौर के नाम की घोषणा, जो उम्मीदवार है बीजेपी का, उसकी घोषणा हो पाती है। खबर ग्वालियर से भेजी हमारे सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही एमपी तक के साथ।